दारू पी रहा है सामाजिक तत्व पुलिस का सारा बदतमीजी करी है। भाई लोग पुलिस का धक्को दियो, महिला की तरफ जाने की चेष्टा करी, बदमाशी कर रहा और परिक्रमा को स्थल है, इधर दुकान नहीं होनी चाहिए, दुकाना पे तोड़ फोड़ करेगा और जगह बदमाशी करेगा, शराबी ही असामाजिकता फैलाते हैं यहाँ पे, क्योंकि स्त्री भी ऐसे खुले में ला रही है। वो अचानक कावड़िया के साथ में कोई असामाजिक तत्व घुस गया, अच्छा शराब पी रहा था, बाहर निकलना, फिर पुलिस के साथ मारपीट कर ली गई। पुलिस महिला ने बचा रही है बिका, बावजूद पुलिस का धक्को देर में माए गिरे है, पुलिस ने कुटे गए है कहीं भी, ये भाई पुलिस वाले को मारा, ये भाई पुलिस वाले को। दुनिया स्वाद के साथ सेहत भी, शादी की दावत में मिलेगी दुनिया की मिठास, बनेगा ये अवसर और भी खास। दुनिया यहाँ आपको एक ही स्थान पर मिलेंगे स्वादिष्ट रसगुल्ले, गुलाब जामुन, राजभोग, चमचम एवं शुद्ध दानेदार देसी घी। अभी ऑर्डर करें 9024959530 और पाए फ्री होम डिलीवरी। फॉर मोर डिटेल्स विजिट www.dunira.com। नमस्कार, राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज और आज आप हाँ शेखावाटी को तीर्थ स्थल सिरमौर तीर्थ स्थल लोहागढ़ धाम और बोले ने अठा को सौ पुराणो है जो और भारत विश्व भारत है अठा को भी सौ पुराणो तीर्थ स्थल के रूप में जानो जावे है आज जगह। लेकिन इस जगह की हालत थे देख को आज कहीं है, सावन का महीना में अठा सौ ज्यादा श्रद्धालु है जगह आवे और भी स्थिति के मायने अठा परसों की घटना है, परसों रात ने अठे पुलिस प्रशासन और अठा का जगह लोग है बाके बीच के मायने कुछ घटना यान की घटी हुई उपद्रव हुए एक तरीका हूँ बोल्स का बिक मायने कौन जिम्मेदार है की साबू जिम्मेदार है पूरी ग्राउंड जीरो थर बीच के मायने आये हूँ। दुकानदार नहीं होनी चाहिए अठे आके लिए खेर आगे दुकानदार लगेड़ी ने और परिक्रमा को स्थल है इधर दुकान नहीं होनी चाहिए, बाकाल भगदड़ मची इस वजह से हुई है। बी दिन थे अठे मौजूद है नहीं, अच्छा तो घटना बा घटित हुई भी को कुछ आइडियो है? कुछ नहीं, शराबी आते हैं शराब वगैरह पी हुए आ जाते हैं, सामाजिक तत्व है, पानी वाणी वगैरह है यहाँ पे ज्यादा, इसलिए वो शराब भी आ जाते हैं यहाँ पे, शराबी ही असामाजिकता फैलाते हैं यहाँ पे। बाकी कावड़िया वगैरह जो तीर्थार्थी आते हैं तो अपने शांति से स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और अपने चले जाते हैं। जो शराबी आते हैं तो उनका काफी सख्ताई से लिया भी जाता है, काफी पता भी किया जाता है, लेकिन फिर भी कितने भीड़ में बीच बीच में कोई आ जाता है सामाजिक तत्व। तो बाकी लिए स्पेशल अभियान है जो को चलाए हुए कुछ अठे आप? हाँ, अभी काफी सख्ताई बरत रहे हैं शराबियों के लिए, पहले भी बरत रहे थे काफी, लेकिन अब रात का समय था, लाइट चली गई थी, लाइट की असुविधा होने के कारण यहाँ पे वो भगदड़ मची है, भगदड़ भी नहीं मची, वो भगदड़ भी कौन बोल्स का, लेकिन एक तरीका को उपद्रव है। हाँ, उपद्रव हो गया थोड़ा बहुत, वो शराबी थे वो उधर महिलाओं के उधर चले गए कुंड की तरफ वगैरह, पुलिस द्वारा टोकने पे वो ऊपर नशे में थे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। थे भी अठे या? मैं रात को जगह जगह के ऊपर जगह स्टोर लाग रहा है, तख्ता का लीज रहा है जगह, जी अब ऊपर की पेड़ी है थे बता रहे हो जगह कम है, अब बिक ऊपर बा जगह लागी बटे दुकान लागी बा दुकान लाग चुकी बटे, तो बठियूर तीर्थ यात्री है श्रद्धालु है जगह कावड़िया है या फिर अस्थि विसर्जन करबान जगह आवे है बेकी साबू बठियूर निकले मन या तो शोक बात बता दो मन। ये देखो जब भीड़ होती है ना मेला वगैरह में उसमें सब सब दुकान वगैरह हटती है, उस समय नहीं रहती है दुकान वगैरह, वो कम में रहती है। लोहागढ़ जो अपना तीर्थ है सब बड़ो तीर्थ है और इस जगह के ऊपर देखो महिला है खुला में कपड़ा बदलना पड़ रहा है बन, यानी की व्यवस्था है जबकि उरा की है जबकि वो सब बड़ो तीर्थ है, व्यवस्था तो ठीक नहीं है, स्त्री भी ऐसे खुले में ना रही है कपड़े वपड़े चेंज करने के लिए, एक स्थान बना हुआ है देखो नानो तो कुंड में ही नहीं सी, तो ठीक है लेकिन कपड़ा बदलवा को है सब कुछ है, देखो एक ही बना हुआ है तो कम पड़ता ना एक स्त्रियों के लिए लाने के लिए, तो और होने चाहिए वो पोर्शन, लेडीज को पोर्शन है और पोर्शन जेंट्स को पोर्शन है और हर तरीका बढ़िया वो बोला ने व्यवस्था है जबकि कुंड के अंदर है नारिया है सही तरीका नारिया है और एक माए थे देख को, लेकिन वो परिक्रमा मार्ग है और खटा न खटा आई बा वजह है जखा इस साहब को कई बार हो लो हुए हैं और विदिन रात ने भी इस साहब की स्थिति हुई देख को, वो परिक्रमा मार गए ठूर वो सारो परिक्रमा मार गए और परिक्रमा मार्ग की स्थिति आ है हर जगह चारों तरफ हर जगह है जखी बटिन देख को दुकान है जखी लाग रही है चारों में और एक कोनी बहुत सारी लाग रही है, अपनो सौ पवित्र कुंड है ठे इस जगह पर है, महिला है जखी ने खुला कमाए ने कपड़ा बदलना पड़ रहा है, व्यवस्था है जखी सही है कोनी ना सही कोनी
कहीं लागे कौन लोग है जगह जिम्मेदार उसके अब तो स्थिति है। और मैं अठा को विजुअल से जो दिखा चाहू कई साइड में महिला है और इसका बारे ही सब कुछ बन कपड़ा चेंज करवा को काम है जगह करना पड़ रहा है और अठिन भी खड़े हैं। राम राम जी। राम राम जी। एक ग्राम विकास अधिकारी हूँ। अच्छा ग्राम विकास अधिकारी हो अडे तो थारे ही अंडर में शायद वो पंचायत के अंडर में आवे कुंड। हाँ वो रेवेन्यू के अंडर में तहसीलदार जी मालिक है। जखी बात घटना घटित हुई पिछली रात की बीती रात की जखी बात कई घटना ही बिकवाई ना लगभग कई स्थिति हुई बात घटना तो यह हिसाब है पुलिस का चार जवान हटे हा दो जवान गेट पर तो अचानक कावड़िया के साथ में कोई असामाजिक तत्व घुस गया। अच्छा शराब पेड़ा हटे सी कोई लेडीज सी स्नान कर रही है मन साइड में गिराना पुलिस जाब्ता के साथ भद्रता का लीर मैं कुंड में धक्को मार दियो फिर मन बाहर निकालिया जना बाहर निकालना फिर पुलिस के साथ मारपीट कर ली गई। परिक्रमा मार गए और अठियूर मन व्यवस्था दिख रही को नहीं के परिक्रमा उजावे। देखो सर यान की बात है जी भी लोहागल ई कुंड पर जगह है प्रसाद वरसाद बेचे हैं और सब ने मारा ग्राम पंचायत की ओर से नोटिस जारी करेड़ा है और मेला से ठीक है 15 दिन पहले आपकी व्यवस्था सब बना ली। अच्छा तो फिलहाल मेला की बात करो सो अमावस्या के दिन व्याग्रह है और लगभग सावन के मायने सौ ज्यादा हुआ है भीड़ भी टाइम पर श्रद्धालु सौ ज्यादा हुए लेकिन सावन के मायने बाई स्थिति है जो की आम दिन पर रेवा तो खटे न खटे मेला के दिन ने छोड़ लगभग पूरे महीने भी बा व्यवस्था उसके हमने इस बारे में अधिकारियों को अवगत करा दिया है। हाँ। अब अधिकारी जैसा निर्देश देंगे वैसा हम काम कर देंगे। तो अठेवू जटे बातचीत हुई है फिलहाल मेरे हिसाब हुआ रेलिंग भी अब भी निर्माण करे गये है रेलिंग तो अभी थोड़ा पिछला दिन निर्माण करियो क्योंकि अत्यधिक भीड़ होने के कारण निर्माण कर लियो गयो और वो जकी व्यवस्था है जी महिला है मजबूर देखो थे देख को सामने और सामने खुली व्यवस्था के मायने कपड़ा चेंज करना पड़ रहा है क्यों ज्यादा बदहाल स्थिति कहीं उसके महिलाओं के कपड़े चेंज करने के लिए वहाँ चेंज रूम बना हुआ है। हाँ। अलग महिलाएं कुछ महिलाएं अंदर भी करती है कुछ महिलाएं बाहर भी करती है बाकी अंदर चेंज रूम बना हुआ है। अच्छा एनएफ है कोनी वो सफिशियंट है वैसे कोई सफिशियंट है तो खटे ना खटे खुद की मर्जी है वो हाँ ये तो महिलाओं की स्वेच्छा की मर्जी से बाकी आप अंदर से पूरा देख सकते हो पूरा खब खूब बड़ा है। नहीं क्या करोगे जी इसका कहीं क्या करो अरे मैं देख सा समिति है समिति है क्या की लोहागढ़ धाम विकास समिति मतलब लोहागढ़ धाम विकास समिति कुंड की है या फिर मंदिर वगैरह कुंड क्षेत्र की कुंड सेक्टर की हाँ तो कुंड की थोड़ा सा कठिन आ जाओ थे जिसमें लाइट सफाई और मेंटेनेंस ये खर्चा समिति का है। अच्छा हमारी कमेटी है 11 परिवारों की जिसमें हमारा रजिस्ट्रेशन है 2600 तो ये व्यवस्था मेला अन्य प्रतिदिन लाइट और सफाई की व्यवस्था ये लोहागढ़ धाम विकास समिति करती है। दुकान पर कर रखी है बाघ को अतिक्रमण है वो कोई अतिक्रमण को अठिनाओ साहब ये बता रहे हो कि सिर्फ दुकाना को है तख्ता को राको कोनी के बिल्कुल सूर्य कुंड के ऊपर जो भी तख्ते पार्टी जो भी है उन सभी के लिए नोटिस जारी किया हुआ है सर। बोलो साहब नहीं ये नहीं नहीं ठेकियो मैं सामने खड़ा कर रहा क्या सामने पूछा दिया आपकी ड्यूटी है वो काम की। हाँ। लेकिन कहीं तो बहुत पीछे से पहले से डले रहा है मतलब अच्छा पीछे से डले रहा है लेकिन ठेक ऊपर आराम उपलागती मार बैठे हो आप बैठे बोले तो अड़े कहीं व्यवस्था बनाबा को काम मतलब सुनो व्यवस्था बनाबा को काम थारो है श्रद्धालु आवे बाको है पंचायत को है सबको है मिलर कर चो जना उसी लेकिन मिलर खटर कर रहे होते तो देखो आराम आसन ग्रहण कर बैठे हो तो अब कौन सो रस है 10 जवान खड़ा कर रखे है एक सेकंड थे कह रहे हो कौन सो रस है तो संडे न रस हो शनिवार न रस हो शुक्रवार न रस रहे जैसे दिन कौन सा थे हटारा क्या आगे अजी शनिवार नहीं मत बताओ मन हटाएड़ा है या कोनी अजी रस का कारण लड़ाई थोड़ी हुई है दारू पी रहा है सामाजिक पुलिस के साथ बदतमीजी करी है रात में 11:30 बजे उपद्रवी दारू पी के आएंगे 10-5 आ गए उसकी वजह से होने तो कावड़ वाले थोड़ी बदमाशी करे कावड़ बदमाशी को नहीं पे कावड़िया हुई कौन से के जगह यान का काम करे क्योंकि जगह शिव भक्त है जगह आस्था रखे जगह सनातन में आस्था है बे कदे भी को सामाजिक तत्व है उनके साथ में गाड़ी में आगे 10-20 है। मैं निवेदन करता हूँ पुलिस में श्रीमान थानाधिकारी कमलेश जी चौधरी के निर्देशन में चौकी प्रभारी श्रीमान बजरंग जी है यहाँ उनके निर्देशन में 15 आदमी दिन में रहते हैं और 15 आदमी नाइट में रहते हैं अलग अलग पॉइंट बने हुए हैं जैसे गोलाना तिराये पे है गणेश मंदिर है खाक चौक है अपना सूर्य कुंड है सूर्य कुंड द्वार है पुलिस की माकूल व्यवस्था है लेकिन यहाँ कावड़ियों के भेष में सामाजिक तत्व आ गए जिससे ये व्यवस्था हो गई विधानसभा तक मामलों गूंज चुके हैं जी विधानसभा में मामला उठा है हमने भी देखा है कल तो अब आगे कई व्यवस्था करी गई है क्योंकि तो हर आदमी यह चाहे कि वो पवित्र तीर्थ स्थल है और इको नाम है जो को मतलब
कोई वजह खराब न हुए। देखो ये तो पवित्र नहीं तीर्थों का राजा है, बिल्कुल सिरमौर है, तीर्थराज बोलते हैं लोहारगल को। बाकी इसमें व्यवस्था के मामले में कोई कमी नहीं है, हमारे से जो भी बनता है जैसा ही बनता है हम पूरी इसमें कोशिश कर रहे हैं। और अध्यक्ष को अठे सुरक्षा व्यवस्था के लिए कुंडू लेर पूरा सूर्य मंदिर है और अठे जितनी भी व्यवस्था है पूरी सीसीटीवी का अंडर कमाइन है और अठे लोहागर धाम है सूर्य मंदिर है बिका पीठाधीश्वर है अवधेशाचार्य जी महाराज है बहु बातचीत कर सी मामला के ऊपर कई घटना घटित हुई और सिक्योरिटी की भी पूरी बात कर सिया। पहली बात तो करा कि जगदीन भी मामला की तो बाद में बात कर सिया। आ सिक्योरिटी जेगी थे थारे अंडर के माइंड देख रखी है चारों तरफ सीसीटीवी लगा रखा है खटा ने खटा इस चीज को फायदो है जो हो भी दिन फायदो बहुत हो नहीं तो बेचारा जो कावड़े है जिका कोई प्रकार की कोई गलती कौन करे और जिका पुलिस कर्मी है जिका की व्यवस्था बना हुआ है बाल लोगों के लिए गलत तरीका से न्यूज आ जाती और वह लोग बड़ा परेशान हो जाता बन कई खड़े खड़े ऊपर का अधिकारी की प्रताड़ना झेलनी पड़ती सनातनी दुखी हो जाते। सीसीटीवी कैमरों एक ही व्यवस्था है जो बी दिन बाद कुछ असामाजिक तत्व जो विधर्मी कह सका आप वह लोग पुलिस का दखो दियो महिला की तरफ जाने की चेष्टा करी बदमाशी कर रहा बाल लोगों की बाकायदा सारी रिकॉर्डिंग वायरल होगी और बस सारी साफ हुई है कि वास्तव में सीसीटीवी कैमरा होया जो बचगा वे लोग और नहीं कोई भीड़ को अनुमान को नहीं और रात ने लाइट को नहीं ही लाइटा की बड़े अभाव बैठे मैं लोग अता दुखी रहा कि भाई कहें लाइट व्यवस्था बनी रहे कहें पुलिस प्रशासन मार्ग नाटे जुटे रहे लेकिन व्यवस्था नहीं होने की वजह से बहुत स्थिति गंभीर हो जा बैठे और वो तो पहली बार वायरल हो गो नहीं तो स्थिति आई कि कई बार घटना घटी तो यहाँ पत्तों को लग है। तो मैं तो आप लोग मीडिया से सबसे ही कहूंगा कि व्यवस्था बनाने में हमारा सहयोग कराओ मैं लोग रात और दिन की व्यवस्था में लाग रहे हैं कहें भी कोई यात्री आयो परेशान न हुआ तो बड़ो तीर्थ स्थल है धरती को पहलो तीर्थ है और ये तीर्थ को शेखावटी अंचल से जुड़ा हुआ है जिका ऐसा ही व्यक्ति जिका कमजोर एक तरीका से आपका काश्तकारी व्यक्ति कैसे का मन है जिका वह खाली खेती करे या तो भगवान की सेवा में खेती करे वह और नहीं तो वह बने भी देवता को रूप ही दिया अपान अन्य जिका पैदा करे वह देवता रूप ही है वह लोग अठे सिर्फ परिक्रमा क्षेत्र में या कावड़ लेबर ना हुए और नहीं आपका कोई पूर्वज देवलोक गमन हो जा भी टेम पे अड़िया हुए बाल लोगों के लिए व्यवस्था अच्छी अच्छी होनी चाहिए। बड़ा तीर्थ में व्यवस्था अच्छी है लेकिन जठे अग्रवाल समाज या बड़ो समाज आवे है जिको पैसा खर्च कर सके वह लोग तो करते लेकिन अठे तो खेती हर काश्तकार व्यक्ति आवे ऐसा ही व्यक्ति आवे जिका की व्यवस्था सरकार करे और नहीं कोई मारकने कोई हो तो मैं करा तो मार से जितनी व्यवस्था हो पा रही है मैं पूर्ण रूप से कर रहा हूं न मैं कोई को सहयोग लिया न मेरे कोई चंदा की रसीद बनावा लेकिन मारो कहने का मतलब ये कि तीर्थ की सुरक्षा करने को मौलिक अधिकार सबको है और सबने मिलकर करना पड़ती कि एक लोग उनका सके बहुत भीड़ हुआ है बहुत व्यवस्था उकचुक है भी व्यवस्था सुधारनी है। काल प्रशासन आयो पूरी बातचीत करी है मीटिंग करी है आज भी एक मीटिंग है शाम का एसपी साहब आ रहे हैं एक कुंड के ऊपर ही रेलिंग लगाने की मांगी इच्छा है कि यात्री जो है लाइन में चले बिना खुली छूट दे दिया तो वो फिर आपके हिसाब से व्यवस्था उकचुक हुए तो बस सरकार की जो व्यवस्था है भी मैं पूर्णतः सहयोग कर सिया मैं मेरी तरफ से सूर्य मठ की ओर से मैं पूर्णतः सहयोग करूंगा चाहे वह कुछ भी कहते वह कहते कि महाराज जी यात्रा की असुविधा के लिए दर्शन कुन करा पावा दो घंटा तो मैं तैयार हूँ मैं भगवान का हाथ जोड़ ले शु माफी मांग ले शू के नारायण दर्शन नहीं हो सके तो कोई दिक्कत को नहीं लेकिन यात्री परेशान नहीं होना चाहिए वो विचार है नारायण जो करसी जो मगर हाथ में भी धर्मी जी का एक्टिव है चारों मेरे सनातन ने खंडित कर पाता है पूरी साजिश रच रहे और मैंने वो पूरा बेरो है कि मैं रात और दिन हर समाज के वहां जाऊं हर जगह विराजमान हूँ हर जगह मैं हनुमान चालीसो रोड पे बैठ पाठ करा मन में रहे भी धर्म की ताकत कत्ती बढ़ रही है वह लोग बाहर से जो विदेशों से फंड आ रहे हैं जिकी अभी धर्मी ताकत हटे अपने देश का मायने यूथ ने जिकी अपने अन्य समाज का यूथ है बने व्यवस्था दे फेर भाई भी कमाए ने कई प्रकार की गड़बड़ करा रहे हैं अठे भी मैं कई कहना पकड़े है लेकिन भी भीड़ में अंधेरा में रात्रि का समय बने एक सार कपड़ा पेरे डावे बम केबरों पड़े कौन सो कह आप भेष बदल करके और अठे बदमाशी कर जाए अपनी रिकॉर्डिंग बना ली जाए तो सबसे पहले तो सरकार जी के है बा चेत बा ध्यान दे मार से जो सुविधा चाहिए मैं पूर्ण रूप से तैयार हूं। और एक मैं देखियो गयो कि पहली पुलिस प्रशासन जो जवान हो बन साइड कर रहे अभी के दखो कुंड में दियो गयो बिल्कुल वह काफी देर से महिला बड़े स्नान कर रही एक दो लोटो जल को डाले महिला भी निचल रहा पे जना पे महिला ने हटा करके खुद बल प्रयोग करके दो जना तीन जना पे बैठी ने महिला के जावा चेष्टा करी पुलिस कर्मी बार रोकया रोकने के बाद में रुकया को नहीं है बस झड़प करी है पुलिस वाला से बी का बाद में पीछे से दो जना आकर के और भी पुलिस कर्मी का दखो दियो है जड़ में वो माए पड़े हो बी का बाद में बाने स्थिति संभाल बा खातिर हल्को बल प्रयोग जी ने कहा कि पानी के ऊपर लकड़ी की मारनो बा करनी पड़ी बाने बी से के हो कि भाई भाई लोग एक बार तितर बितर होगा जिसे बाकी वह कोई बापा अतिनी व्यक्ति है बी टेम तो
सबसे बड़ी बात तो कमी आ रहेगी कि तीन व्यक्ति भी दिन हा मैं बड़ी अटे को नहीं हूं, मैं जयपुर से भी टेम आयो, घटना खत्म होने के जस्ट बाद में मैं पूछो, मैंने रास्ता में डेढ़ घंटो लागो अटे माइन बड़वा में, और भी डेढ़ घंटा का पीरियड में जब मैं ऐसा मजीक तो भाग जा रहा, तो मेरी गाड़ी ने भी बहुत पीटी है गेला में, क्योंकि बने लागे भैया मंत की गाड़ी है जो पीटा आप आई ने, तो भाई बदमाशी कर गया ना, मैं गेला में चालू जाए जाए दुकान पे तोड़ फोड़ करेगा और जगह बदमाशी करेगा, तो बाको तो वो बढ़ेड़ो है। अब माने ई व्यवस्था संभाल लिया, कावड़ यात्रा क्या खंडित हो है, क्या लोहागर की आज 24 कोसीय सूर्य क्षेत्र की परिक्रमा खंडित हो है, ऐ सब चीज आप वापिस कह बने आ कह टिकी रह जाए व्यवस्था, आप मैं चाहूँ हाँ जो नारायण की कृपा करे, भगवान की कृपा से सारो काम सही सलामत हो जैसी, आप लोग सब जना जुड़िया रहो और ई व्यवस्था ने आपा संभाल छा, और आप लोगों के वजह से वो धर्म जो है वो कम से कम पारदर्शिता की ओर रहसी, आप लोगों ने धन्यवाद है मीडिया ने और जो पारदर्शिता से न्यूज ने छाप रहे हो, कई अपडेट इस की चाली है जकी भी सच्चाई पर भी कोनी, कई जगह लोग दिखा दिया कि पुलिस बल प्रयोग करियो जबकि पुलिस यान को कुछ कोन करियो। देखो मैं आपने बताऊं, कई जगह स्थितियां है कि कई असामाजिक तत्व तो सब जगह ही हुआ है, कोई अपवाद स्वरूप करे घटना घटित कर जावे, लेकिन अठे तो मैं लोग पूरा ध्यान रखा कि मान पे तो है सनातन का, मैं तो रात दिन इस सनातन के लिए लोगों तक पूछा नहीं, मान तो डासो निकलवा की जरूरत ही नहीं, लेकिन मैं तो सनातन के लिए सारा साधु संत मैदान वार रोड पा करके सनातन बचापा के लिए प्रयत्न कर रहा, तो मारो तो पहलो दावी तो है कि मारा क्षेत्र में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो मैं तो ये सीसीटीवी वगैरह लगाने को सबसे बड़ो कारण भी है कि कोई घटना घटित हो तो पारदर्शिता तो रहे, विधानसभा तक मामलों गूंज को, विधानसभा तक तो मामलों गूंज सके, क्योंकि कुछ रिपोर्टा पत्रकारों के द्वारा पूछ गई कि भाई पुलिस ने मारा, कई जगह घटना घटी, तो ये एक जगह मैं भी वीडियो देखियो है कि एक पुलिसकर्मी थाना का बाहर ने कावड़े ने मारे, तो भाई वीडियो वास्तव में सही है, लेकिन अठे तो साफ साफ दिखाई दे रहे है कि पुलिस महिला ने बचा रही है, बिका बावजूद पुलिस का दखो देर में माए घेरे है, पुलिस ने कूटियो गए है कहीं भी त्रिपाल के नीचे घेर करके, त्रिपाल और भाई सब चीज के नीचे हॉस्पिटल में एडमिट है, वो एडमिट है टांका एडा है, भगवान माने रक्षा करे, वहां की बुजुर्ग है, भगवान माने सद्बुद्धि दे जिकाया का काम कर रहे है, ये तीर्थ की गरिमा खराब नहीं हो जाए, क्योंकि वो गरीबा को तीर्थ है और शेखावटी को झुंझुनू जिला को चूरू जिला को सीकर को सबसे बड़ो तीर्थ है, और मैं तो धरती को पहलो तीर्थ है, इसके लिए तो पुराना में बहुत बड़ो उल्लेख करेड़ो है, आपा तो बहुत ना समझ हाँ तीर्थ की गरिमा को समझ रहा, नहीं तो तीर्थ की तो बहुत बड़ी गरिमा है। तो आपने साथ में अठेगा सूर्य मंदिर का पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य जी महाराज, और पूरी घटना है जकी कहीं हुई बा पूरी सच्चाई के साथ में और विद सबूत, वो बोला सीसीटीवी का सबूत के साथ में आपने बताई, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।